अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इब्राहिम हूँ और आज की जो वीडियो है वो कैट्स के हीट साइकिल और प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कि कैट का जो हीट साइकिल है वो किस एज पे स्टार्ट होता है और इसमें जो हीट साइकिल है इसमें कैट कौन से साइन शो करती है और इसी तरह जो प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी में कैट के बारे में ऐसी कौन सी चेंजेस आती हैं जिनके बेस पे हम जज कर सकते हैं क्या कैट प्रेगनेंट है या नॉन प्रेगनेंट है। सबसे पहले अगर हम हीट साइकिल की बात करें तो कैट्स का जो हीट साइकिल है वो 4 मंथ की एज में स्टार्ट हो जाता है। ऑन एन एवरेज तो 5 to 6 मंथ पे स्टार्ट होता है, बट 4 मंथ्स पे भी कैट्स जो है वो हीट शो कर सकती हैं, हीट साइन शो कर सकती हैं। कैट्स जिन्हें हम आमतौर पे क्वींस कहते हैं ये बेसिकली इंड्यूस्ड ओविलेटर्स होती हैं। इंड्यूस्ड ओविलेटर्स का मतलब ये है कि मेटिंग या क्रॉस होने के बाद इनकी ओविलेशन होती है, एग रिलीज होता है, तो इससे ये होता है कि जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि अगर हम देखें डॉग्स के साथ कंपेयर करें तो कैट्स में बहुत कम ऐसा होता है कि कैट कंसीव ना करे, जबकि डॉग्स में जो है वो सूडो प्रेगनेंसी या इस तरह की जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ब्रीडिंग सीजन के दौरान कैट 3 से 4 दफ़ा जो है वो हीट साइन शो करती है। जब कैट हीट में होती है तो वो एक तो मेल को अलाउ करती है फॉर मेटिंग, और दूसरा जो है वो मेटिंग करेक्टरिस्टिक्स या कुछ साइंस होते हैं जिनकी बेस पे हमें आइडिया हो सकता है कि कैट हीट में है। उसमें एक तो ये है कि कैट रोल करती है, फर्श पे रोलिंग स्टार्ट कर देती है और किसी भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन के साथ जो है वो अपनी बॉडी को रब करती है, और इसके अलावा जो है वो मेटिंग पोजीशन अडॉप्ट कर लेती है जिसमें वो अपने बैक साइड को रेस करती है इस तरह, और रिपीटेडली और लाउडली वो आवाज़ें निकालती है। तो ये जो साइंस हैं ये बेसिकली इस चीज़ की इंडिकेशन होती हैं कि कैट हीट में है। अब ये जो साइन है ये कैट में 3 दिन से लेकर 20 दिन तक रहते हैं, 3 to 20 days तक ये साइंस रह सकते हैं। ऐसी कैट्स भी हैं जिनमें ये साइंस सिर्फ 3 दिन रहते हैं, जबकि कुछ कैट्स ऐसे भी हैं जिनमें ये साइन 20 दिन तक कंटिन्यू रहते हैं। अब एक साइकिल जब कंप्लीट होता है ये साइन 3 से लेकर 20 दिन तक रहते हैं, तो अब ये साइन 3 दिन से लेकर 20 दिन तक रहते हैं, तो उसके फिर 10 दिन से लेकर 40 दिन बाद अगेन जो है वो ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ये साइंस कैट जो है वो शो करना शुरू कर देती है। अगर कैट को आप ब्रीड करवाते हैं उसकी मेटिंग होती है उसके बाद जो है वो हीट साइकिल एंड हो जाता है और कैट की जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। अब जब कैट कंसीव कर लेती है तो प्रेगनेंसी के जो साइन हैं उनमें एक ये कि कैट का जो एब्डोमेन है वो साइज़ में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कैट की जो एपिटाइट है वो बढ़ जाती है, कैट को भूख ज़्यादा लगती है, वो खाना ज़्यादा खा रही होती है उन दिनों में। और तीसरी चीज़ जो जिससे हम गैस कर सकते हैं कि कैट प्रेगनेंट है या नहीं, उसमें ये होता है कि हम कैट के जो मेमरी ग्लैंड हैं उनमें से किसी एक को अगर आप स्क्वीज़ करें तो उसमें से जो है वो मिल्क आता है, तो ये भी इंडिकेशन होती है कि कैट प्रेगनेंट है। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि कैट प्रेगनेंट नहीं होती बट उसका एब्डोमेन इंक्रीज हो रहा होता है और अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये प्रेगनेंट है, लेकिन एक्चुअली सूडो प्रेगनेंसी होती है वो, और कैट कई महीने तक इसी पोजीशन में रहती है। नॉर्मली तो कैट्स जो है उनका जो गेस्टेशन पीरियड है जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 2 मंथ होता है, यानी 60 to 63 days जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो सूडो प्रेगनेंसी है उसमें कैट्स कई महीने तक जो है वो इसी हालत में रहती हैं, यानी उनका एब्डोमेन इंक्रीज होता है बट वो एक्चुअली प्रेगनेंट नहीं होती है। तो इसके जो है एक तो सोल्यूशन ये है कि अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जाए अगर कैट जो है वो आपको लगता है आपको डाउट है कि कैट सूडो प्रेगनेंसी में है तो अल्ट्रासाउंड से कन्फर्म होगी या आप अपने वेटनेरियन से उसको चेक करवा। तो ये था कुछ हीट साइकिल और प्रेगनेंसी ऑफ कैट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।